Hello students, welcome to the channel Entrance Exam Guide. So guys, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं CLAT 2022 application form के बारे में. जी हाँ guys, आप लोग का CLAT 2022 का जो application form है यहाँ पे release हो चुका है. किस तरह से CLAT 2022 का application form fill करना है, step by step procedure क्या, official link कहाँ से मिलेगी, हर एक चीज detail में discuss करेंगे आज इस वीडियो में. सिंपली क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करना है. इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, आप देख सकते हैं एप्लीकेशन रिलीज. तो नीचे आएंगे तो यहाँ पे नोटिफिकेशन कॉलम दिखाते हैं जहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन रिलीज फ्रॉम 1st जनवरी 2022. क्लिक किया तो अपना, तो सिंपली इस लिंक पे क्लिक करना है, आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी. यहाँ पे देख सकते हैं आपको लॉग इन यहाँ पे दिखा देगा, उसके नीचे लिखा है डोंट हैव एन अकाउंट रजिस्टर, तो सिंपली रजिस्टर पे क्लिक करना है. रजिस्टर पे क्लिक करते हैं रजिस्टर फॉर्म ओपन हो जाएगा. यहाँ पे आपको अपना नाम एंटर करना होगा. उसके बाद गैस आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर कर देना है, जो भी आपका वो मोबाइल नंबर है, वैलिड मोबाइल नंबर एंटर करना होगा. उसके बाद गैस आपको यहाँ पे अपनी जो OTP एंटर करनी होगी. यहाँ पे मैंने इस सैंपल के तौर पे xyz@gmail.com एंटर किया. आपको अपनी वैलिड OTP जो है यहाँ पे आपका जो वैलिड ईमेल है यहाँ पे एंटर करना होगा. फिर गैस यहाँ पे आप लोगों को जो है पासवर्ड एंटर कर देना अपने प्रेफरेंस के हिसाब से. फिर वही पासवर्ड आप लोगों को यहाँ पे जो है री एंटर कर देना होगा. और फिर सिंपली गैस यहाँ पे आप लोगों को जो है रजिस्टर पे क्लिक कर देना है. जैसे आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो गाइस देख सकते हैं आप लोगों के गाइस अभी यहाँ पे रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक OTP भेज दिया गया आपको अपना अकाउंट एक्टिवेट कराने के लिए. जो मोबाइल पे OTP है वो OTP सिंपली एंटर करना होगा, एक्टिवेट पे क्लिक करना, आपका अकाउंट यहाँ पे जो है एक्टिवेट हो जाएगा. अब एक्टिवेट होने के बाद फिर गाइस आपको क्या करना होगा, सिंपली यहाँ पे आपका जो मोबाइल नंबर था वो मोबाइल नंबर एंटर करना है. फिर आपने जो पासवर्ड सेट किया था वो पासवर्ड आपको एंटर करना होगा. लॉगिन पे क्लिक कर देना है. जैसे लॉगिन पे क्लिक करेंगे आप लोग अपने प्रोफाइल में लॉगिन हो जाएंगे. वहाँ पे जाने के बाद जो भी पेंडिंग डिटेल्स है आपके यहाँ पे सारी एप्लीकेशन फॉर्म में पेंडिंग डिटेल्स फिल करनी है, सिग्नेचर फोटोग्राफ स्कैन करके अपलोड करना है, एप्लीकेशन फी पे करनी है, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा. इनकेस ये सारे प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम फेस होती है, कोई भी हेल्प आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम जरूर आपकी मदद करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे. थैंक यू फ्रेंड्स.